हाय फ्रेंड, कैसा आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। और आज हम लोग बैंक निफ्टी का एक बेस्ट सेटअप बोलिए या आप स्ट्रेटजी बोलिए, बिना कोई चार्ट, बिना कोई टेक्निकल का, और आपको देखना है बिना कोई लेबल का भी, ठीक है? और ये स्ट्रेटजी मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज में डाला था, यदि आप मुझे वहाँ पर फॉलो करते हैं तो शायद नहीं सही मारा। बहुत सारे लोग मैसेज आया कि क्या है ये, नहीं सही मारा, तो मुझे वो मेम याद आता है अबे साले, मतलब इतना सिंपल चीज़ भी नहीं सही मारेगा ज़िंदगी में तो क्या ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है? चलिए, नहीं सही मारेगा कोई दिक्कत ना, सीख लेते हैं, मजाक ख़त्म, अब क्लास स्टार्ट, ठीक है? तो बाय निफ्टी, ऑब्वियस बात है, या तो बाय करेंगे या तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है? तो बाय कब करेंगे, सेल कब करेंगे, बाइंग में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, सेलिंग में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है? तो फोर बाइंग बाइंग के लिए क्या है कंडीशन, लास्ट टू डेज का हाईएस्ट हाई शुड बी ब्रेक, ठीक है? मतलब हाईएस्ट हाई ब्रेक होना चाहिए, हाईएस्ट हाई शुड बी ब्रेक, हाईएस्ट हाई शुड बी ब्रेक। अब सिंपल सा है, बाय तब करेंगे जब लास्ट टू डेज का जो भी हाई रहेगा वो ब्रेक होगा, तो हम लोग बाइंग के लिए एंट्री करेंगे। और हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, मतलब हमारा जो एग्जिट होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट है तो स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही कभी कभी, ठीक है? लेकिन हाँ, इसमें जब ये क्या होगा, जब प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दे, जब प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दे, व्हेन प्रीवियस डे का इंग्लिश उतना कमजोर है भाई, उसको माइंड करना, प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दे, लो ब्रेक ब्रोकन। बाय तब करेंगे जब लास्ट टू डेज का हाईएस्ट हाई ब्रेक करे, ठीक है? वहां पे हम लोग बाइंग के लिए एंट्री करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, जब प्रीवियस डे का मतलब पिछला दिन का, ठीक है, उसका लो ब्रेक कर दे, तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। वहाँ पे किसी पूछेंगे नहीं, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये क्लोज कर देंगे पोजिशन। ये तो हो गया बाइंग के लिए, ठीक है? अब इसका सेलिंग के लिए इसका जस्ट ऑपोजिट करना है, ठीक है? फॉर सेलिंग लास्ट टू डेज लोवेस्ट लो शुड बी ब्रेक, लोवेस्ट लो शुड बी ब्रेक, सिंपल सा रूल है, लोवेस्ट लो शुड बी ब्रेक। और एग्जिट क्या हो जाएगा, प्रीवियस जहां लो है वहां पे क्या हो जाएगा, हाई ब्रोकन, ये चीज समझ गए? अब इसको हम लोग एग्जांपल के लिए लास्ट 7 डेज का देखते हैं और हिस्ट्री में कि ये कैसा काम किया, कितना प्रॉफिट दिया, कितना लॉस दिया, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट तो याद रखिएगा, ठीक है? बाय तब करेंगे जब लास्ट टू डेज का हाई हाई ब्रेक करे, ठीक है, हाईएस्ट हाई ब्रेक करे, और सेल तब करेंगे जब लोवेस्ट लो ब्रेक करे। हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट 7 डेज का हिस्ट्री देखते हैं, ये लास्ट मतलब इसी साल से देखते हैं कि जैसे 1 जनवरी से लेकर आपका 7 जनवरी तक का देखते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है? 7 जनवरी, स्पेलिंग पे माइंड मत कीजिएगा, हमारा प्रोडक्शन हर बहुत सस्ता है, लेकिन जो भी नॉलेज मिलेगा वो काम आएगा हमेशा के लिए, ठीक है? तो उसके लिए देखना पड़ेगा कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे लो मारा था, कहाँ क्या हुआ था, ठीक है? मैं छोटा लिख रहा हूँ ताकि मुझे, क्योंकि 2 दिन का हम लोग देखना है डाटा कि क्या हाई था, क्या ओपन था, क्या लो था, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है? तो देखते हैं कि 1 जनवरी को क्या हुआ था, 1 जनवरी को क्या हुआ था पहले उसको देखते हैं, ठीक है? वहां पे हमारा ओपन क्या हुआ था, 31297.30, और आपका ये हाई था आपका H4 हाई 31384.45, और आपका लो मारा था आपका L4 लो, ठीक है, 3111.45,
और 88.25, और सी फॉर क्लोज, क्लोजिंग दिया था आपका 31.22.585। ये तो हो गया 1 जनवरी का। अब हम लोग देखेंगे कि 2 जनवरी तो बंद था, थर्ड भी बंद था, अब मतलब सैटरडे संडे था। अब हम लोग आते हैं 4 जनवरी में, ठीक है, 4 जनवरी में, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा जगह कम लेते ताकि और मतलब आ जाए, ठीक है। तो ओपन हुआ था हमारा 3185 है, 3148.515, ठीक है। और हाई हमारा था आपका 31489.60, और लो मारा था आपका 30983.65, और क्लोजिंग दिया था आपका 312.45। ये लास्ट 2 डेज का हम लोग का मिल गया। आप देखते हैं कि 5वां दिन में क्या हुआ, मतलब थर्ड डे क्या हुआ, 5 जनवरी को क्या हुआ हमारा, 5th जनवरी। ओपन हुआ था हमारा 31041.10, ठीक है। और हाई आपका मारा था 31767.65, और लो मारा था आपका 30935.55, और क्लोजिंग दिया था आपका 3172.25। ये तो हम निकले, थोड़ा सा मेहनत लगा, ठीक है, लेकिन करना पड़ता। तो 1 जनवरी को देखें हम लोग, ये हाई हमारा है 31384, ठीक है। और उसके बाद फिर 4 जनवरी को हमारा हाई है, ठीक है, और 31489, लेकिन उस दिन ओपन हाई ऑलमोस्ट सेम था, तो उसके हिसाब से तो हमारा ये बाइंग नहीं बना था, ठीक है। अब देखते हैं कि 5वां दिन में क्या है हमारा हाई, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। और क्लोजिंग देखिए, ठीक है, ये कितना ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा जो प्रीवियस कंडीशन क्या है कि लास्ट 2 डेज का हाई जब ब्रेक करे, मतलब हमारा एंट्री मान के चलिए कि इसके बाइंग के हिसाब से हमारा ये जो एंट्री हो गया, ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगा 31500, सिंपल सा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट कितना दिया सिंगल डे में, 250 पॉइंट दिया, और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर ही क्लोजिंग भी दिया है, ये सिंपल सा है, ठीक है। अब मान के चलिए सेलिंग यदि होता तो सेलिंग के हिसाब से आपको सेलिंग पॉइंट मिलता, तो बस यही समझाने के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ता, ठीक है। आप देखते हैं कि ये 7 जनवरी को क्या हुआ था, ये तो 250 पॉइंट तो यहाँ पे दे दिया ऑलमोस्ट, ठीक है, इसके हिसाब से हमारा 250 पॉइंट दे दिया, लेकिन ये आप देखते हैं कि 7 जनवरी को क्या हुआ था, मतलब 6 जनवरी को। अब 6 जनवरी को देखिएगा तो और 6 जनवरी को और देखिएगा तो हमारा ये ओपन कितना हुआ था, ओपन हुआ था 31839.95, हाई आपका 31982.20, और लो था आपका 31548.15, और क्लोजिंग था आपका 31797.90, ठीक है। तो इसके हिसाब से मतलब वहाँ तो हम लोग 250 पॉइंट दिया है, उसके बाद क्योंकि हमारा प्रीवियस जो स्टॉप लॉस क्या था, जब हमारा प्रीवियस डे का मतलब ये लो ब्रेक कर दे बाइंग के साइड में, ठीक है, इसके हिसाब से देखिएगा तो ऑलमोस्ट मतलब कितना पॉइंट दिया, ऑलमोस्ट
आपका 450 पॉइंट दिया है, ठीक है। लेकिन यदि आप इंट्राडे ट्रेडर है तो यदि एक दिन में आपको 200 पॉइंट पे दिया तो पूरा मंथ में लोग रगड़ लेता है, ठीक है, 200 पॉइंट आपको मिलता नहीं है, ठीक है। तो फिर से एक बार समरी कर लेते हैं, ठीक है। और ये सिंपल सा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी है, ठीक है। बाय तब करेंगे जब लास्ट 2 डेज का हाईएस्ट हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेलिंग में उसका जस्ट ऑपोजिट करना है, लास्ट 2 डेज का क्या है मतलब लोवेस्ट लो ब्रेक होना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। ये सिंपल है। और एक दिन में यदि आपको 250 पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, और यदि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ये मैंने केवल 7 डेज का मैंने दिखाया, आप 7 ईयर्स का भी देख सकते हैं, 5 ईयर्स का देख सकते हैं, या तो पूरा 2020 का देख सकते हैं या पूरा 2019 का देख सकते हैं कितना परसेंट काम किया। लेकिन मैंने जो स्टेजी बताया ऑलमोस्ट 70 to 80% जो भी है एक्यूरेसी आया, ठीक है। 100% तो कुछ नहीं होता है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। आप लोग वीडियो शेयर भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्या करते, लेकिन मेरा जो मकसद है इसलिए मैंने बोला है कि ये चैनल में मैं जब भी वीडियो डालूंगा, ठीक है, अब मतलब जो भी डालूंगा स्टेजी डालूंगा वो बैक टेस्ट करके डालूंगा। बाकी कुछ भी यदि कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, थैंक यू।